मैचेस में हम 217 टॉप रहे, इंडिया की आईपीएल हो रही है वहां पे 287 स्कोर बन रहा है, तो हमने वर्ल्ड कप में कैसे खेलेंगे ये मुझे बताइए। आपको बताऊं थोड़ा सा, आपको स्टैट्स की बात बता देता हूं। इस वक्त जो हम एवरेज स्कोर कर रहे हैं वो 157 है बैटिंग फर्स्ट में, और जब सेकंड टाइम में 155 है। ओके, जो टॉप टीम है इस वक्त दुनिया की इंडिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, उनका है एवरेज स्कोर 189-186। तो ये वो कर रहे हैं। इस सीरीज में अगर आपने देखा होगा गो के, ये सीरीज जो है ना हमें बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतनी चाहिए थी। हम काफी सारी मैंने बात सुनी कि हमारी जो टीम है, लेकिन देखें हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड की ये अपकमिंग स्टार्स हैं, तो उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली, उनके पास जो टैलेंट था उस पर वो डिसिप्लिन क्रिकेट खेले। हमारी चीजों में ना डिसिप्लिन की कमी आती है। अभी आप देखें रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे सर ने बात की कि फिटनेस पे, उनको देखें कल 20 रन उन्होंने सेव किए, उसके बाद रनिंग बिटवीन द विकेट लास्ट दो मैचेस में उन्होंने 15 सिंगल भागे, डबल भागे, हमने सिर्फ 6 और 5 भागे। अगर आपने पहले बात की है तो आप, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा पता होगा कि उस दौरान कितनी क्रिकेट हुई है और बैक टू बैक सीरीज थी, क्योंकि रेस्ट का टाइम, इवन के हमें घर में जाने का या फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल टाइम मिल रहा था, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं, और एज जब भी आप ऑन टूर होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप जब भी हमारे पास कोई टाइम होता है या शेड्यूल हमने ऐसा बनाया होता है कि हमने फिटनेस पर भी काम करना और स्किल्स पर भी काम करना। देखें ये क्या ये लानत जो हमारे चेहरों पे बरसी है, जो हमारे मुंह पे कालक लगा के, ये एक बच्चा टीम गली मल्ले की जिनके नाम नहीं पता और आज भी ठोक गए थे हमें, क्या इस पे खुशियां मनाना, हंसना बेगैरतों की तरह, ये झूठी बातें करना ठीक है? क्या ये फिक्सर आमिर जो पाकिस्तान बेच गया, जमीर बेच गया, सब कुछ बेच गया, इसको पाकिस्तान खिलाना ठीक है? इस जैसे लोगों को खिलाने से बुरी तरह हार जाना क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक है? फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान को नंगा करके मारा, न्यूजीलैंड ने 2-2 करके चला गया, क्या ये आज भी 9 रन से आ रहे हैं? एक्सपोयर नहीं था, अगर इनके पास एक्सपोयर होता, एक्सपीरियंस होता, ये हमारी फाड़ देते, क्या ये ठीक है? कप्तानी देखे जी, केएल राहुल की कप्तानी, हम जीते हैं बॉलरों से, हम जीते हैं बड़ी मुश्किल, बस न्यूजीलैंड के साथ बहुत बड़ी ज्यादा की इन्होंने, अपने होम ग्राउंड पे खेल के अपने मोस्ट सीनियर प्लेयर, इनको चाहिए था सैम अय्यूब को खिलाएं, जमान खान को खिलाएं, शाहनवाज धानी को खिलाएं, फिर इनका कंपैरिजन बनता था उनके साथ, शहनशाह अफरीदी का और मोहम्मद आमिर को खिला रहे हैं बच्चों के खिलाफ। यंग टैलेंट कौन सा आप है बीच में? यंग टैलेंट कौन है? शहीन है और कौन है बीच में? यंग टैलेंट वो क्या उसका नाम है, वो बिल्कुल यंग है, जिसको हमारी इंडियन एक्ट्रेस प्रपोज करती है, शहीन शाह। तो क्या यंग टैलेंट एक दो के बेस पे आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? होते प्लेयर मामला है, हार जीत मुकद्दर की होती है, अच्छा बैट्समैन, अच्छी क्रिकेट, अच्छा खेलना जो होता है वो उसी को कामयाबी मिलती है। छह ओवर में वो 40 स्टंप चुका था, कोई विकेट नहीं, छक्के खाए हैं उसने, छक्का बना दिया न्यूजीलैंड की एक बच्चा टीम। अगर इनके पास जरा सा एक्सपीरियंस होता ये हमें नंगा करके मारते। बाबर आजम ने शदाब को पिछले मैच में भी नहीं दिया, आज 12वें ओवर में 11वें में लाया पहले ओवर में विकेट, इमाद को 12वें में लाया पहली बॉल पे विकेट। ये हमारे कप्तान है बाबर आजम, ये भूखी नंगी लूली लंगड़ी जिसके अंदर साजिश ही साजिश है, और ये नकवी और ये अजहर महमूद और ये रजाक और ये जितने भी हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नासूर है, आप यकीन रखें। देखें परफॉर्मेंस तो इनकी घटिया है ही है, लेकिन इनके अंदर इतनी ग्रुपिंग है, इतनी टूट फूट है कि आपकी सोच है। जो लोग कह रहे हैं वर्ल्ड कप में ये अच्छा करेंगे, वो बता नहीं रहे कैसे करेंगे। सारे प्लेयर तो है, एक नसीम शाह आ जाएगा, चले अगर वो टेंसिया भी आ जाएगा हरीश रऊफ, तो क्या पुट लेंगे, ये क्या कर लेंगे? इतनी इबरतनाक 2-1 से आ रहे थे और आज भी समझे नाक तक हमारी ले आए, रन आउट हो गए आखिरी ओवर में 2, वरना शायद वो ले जाते। 8-9 रन से जीते हैं, कौन सा कमाल किया, लानत ऐसी क्रिकेट पे। बाबर आजम को ना बॉलिंग चेंजेस पता है ना, देखिए हमारे पास एक भी पावर हिटर नहीं है। आप मुझे बताएं दुनिया पावर हिटिंग में 80-90-100 की तरफ जा रही है, हम 30-32-36 है, आज भी मर मर के हमारा पावर प्ले में 51 पता नहीं कैसे हो गया। आप ईमानदारी से बताएं क्या मेरी बातें गलत है, क्या मैं पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान का जिनके चेहरों पे लानत बरसती है कि पाकिस्तान किसी तरह हारे और उनकी दुकान चमक जाए, सही फुदू लगाया, ना कोई सोर्स है, ना कोई डेप्थ है, ना कोई बैकग्राउंड है, क्रिकेट पता। और आजकल इंडिया कहीं कुछ और नहीं कर रहा तो सिर्फ क्रिकेट, वरना जनाब बाकी चीजों आप कभी पूछा करें, मेरे से तो पता पूछते हैं कि किसको कहां से लेके आया हूं, तो जरा बाकियों से भी पूछा करें। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, बॉलिंग ना बैटिंग ना डेप, यही लुंगली लंगड़ी पत्थर के जमाने की क्रिकेट है, और उस पर एग्रेशन दे गया आमिर का, शाहीन का, और ये बाबर वाबर सेलिब्रेट ऐसे कर रहे हैं जैसे 30 मार खान के बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को या इंग्लैंड की टीम को हराया। लानत है ऐसी जीत, लानत है ऐसी क्रिकेट पे, दकियानूसी आउटडेटेड, थर्ड क्लास फिक्सर को लेके आए थे बाप बना के, नंगा करके मार दिया न्यूजीलैंड ने, नंगा किया उसके पिछवाड़े पे, और 38 नंबर का छितर लेके घी डाल के निकाला। ये क्रिकेट है पाकिस्तान की, ये फखर जुबान करेगा आखिर।
लाहौर का पूरा स्टेडियम भरा हुआ, शाइकी ने क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट देखने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहां पे आए हैं, और बाबर आजम लेड टीम जब ये वहां पर दिखाएगी तो उनका जो हार्ट ब्रेकिंग उनके लिए, मतलब मैं वो बच्चा जो आखिर में रोता हुआ, मतलब वो रो रहा है जारो कतार, वो सीन आज पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट जो फर्टर्निटी है उसने देखा है कि यार इतने इमोशनल हैं हम क्रिकेट के बारे में, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गेटिंग दैट बेटर क्रिकेट जो कि हमें इंडिया में देखने को मिल रही, जो कि हमें दूसरे मुल्कों में देखने को मिल रही, इवन न्यूजीलैंड, उनका ये सिस्टम हमसे कितना बेहतर है उस्मान, के वर्ल्ड कप के लिए हकीकी मायनों में तैयार भी है। पाकिस्तान को जो न्यूजीलैंड की बी और सी टीम है वो आगे यहाँ पर हरा रही है, और पाकिस्तान ने 9 जून को जो है न्यूयॉर्क के अंदर खेलना है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अली साहब यहाँ पर जो पाकिस्तान में इस टाइम जो आप करोगे बोलबाला है, कल आपको बताया कि पूरी ये सीरीज को मैं और आप कवरेज भी करके, पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड जो है रात को 5वां T20 मैच खेला गया, जो कि बड़ी मुश्किल से जो पाकिस्तानी टीम ने जीत ली है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी टीम रात को छुरी के नीचे से जो निकली है, और न्यूजीलैंड ने रात को ये मैच जो है वो ऑलमोस्ट जीत लिया था, ठीक है। और अब हमारे कुछ लोग जो खुशियां तो बना रहे हैं कि भाई साहब न्यूजीलैंड की टीम से जो है हम जीत गए हैं कम अज कम, जो शाहीन अफरीदी ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो मुझे आसरा जरूर हुआ है इस बात का कि जीत को छोड़ें कम अज कम हमारी जो इज्जत थी ना वो बच गई है, कि हम ये तीसरा मैच भी हार जाते, अगर ये सीरीज हमारे हाथ से निकल जाती तो इससे बड़ी जिल्लत जो कोई और हो नहीं सकती थी, ठीक है। पाकिस्तान ये मैच तो जीत गया, लेकिन इस मैच में दो लोग सबसे ज्यादा जलील हुए हैं। सबसे पहले फखर जमान, पूरे जो है वो इतने आवर्स पिच पे खड़ा रहा वो बंदा, लेकिन उससे हिट नहीं लग सकी, हालांकि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान का, लेकिन कल जो है वो फखर जमान ने बड़ी कोई जो है वो कछुआ चाल वाली जो इनिंग्स होती है ना वो खेली है। और दूसरा जो बंदा सबसे ज्यादा वो हुआ है ना वो था मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर की इतनी हाइप बनी हुई थी, कम बैक हुआ, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि दुनिया जो है वो तैयार नहीं है मोहम्मद आमिर को खेलने के लिए। कुछ लोग रोहित शर्मा को ये मशवरे दे रहे थे कि आमिर के आने से पहले आप जो है रिटायरमेंट ले लो, लेकिन हकीकत यह है कि रात को मोहम्मद आमिर की बहुत ज्यादा धुलाई हुई है, बहुत ज्यादा मोहम्मद आमिर की रात के मैच में धुलाई हुई है, और खास करके सैफर्ट ने बहुत धोया है भाई। आप देखें 3 ओवर्स में मोहम्मद आमिर ने जो है वो 41 रन दिए हुए थे, 3 ओवर्स में 41 रन मोहम्मद आमिर ने खा लिए, और एक ही ओवर में मोहम्मद आमिर को जो इतना धोया ना जो साइफर्ट ने कि आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल जो है ऐसा लगा कि मोहम्मद आमिर जो है वो बॉलिंग करना भूल गए। पहले ओवर में साइफर्ट ने 15 रन लगा दिए, जिसमें जो है वो चैनल तो भाई इस वक्त पाकिस्तान में खुशी का समय है, हमने न्यूजीलैंड के बच्चों को 5वां T20 हरा दिया यार, रन कर दिए हैं बब्जी द किंग ने, रन कर दिए अमर ने, आहर में बचाया, क्या हमने लताड़ लगाई है यार न्यूजीलैंड के बच्चों को, भाई कमाल कर दिया हमने, वाकई मतलब वाकई हमने कमाल किया है। वो न्यूजीलैंड के बच्चे जो इस सीरीज में आके डेब्यू कर रहे हैं, जो रावलपिंडी और लाहौर का पहली पहली बार नाम सुन रहे होंगे, उन ग्राउंडों पे आके वो 4 में से 2 मैच जीत के जा रहे हैं, ये कितनी शर्मिंदगी का मकाम है। और पाकिस्तान में लोग उछल कूद कर रहे हैं, जीत गए भाई जीत गए, शर्म आनी चाहिए यार, अफसोस का मकाम है। बच्चे हमारी बजा के जा रहे हैं 2 T20 में, और जिसको हम समझते हैं हमारा कप्तान, हमारा बब्जी, और जो आज इतनी सेल्फिश बारी खेल के गया। अब बाबर आजम की बारी देखो, मैं आपको उसका कंपैरिजन करके बताता हूं। एक बाबर आजम ने बारी खेली है 44 बॉल 69 रन बनाए। आज 2 मैचेस और हुए हैं, आज ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी ने जिसने डेब्यू भी नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया का दिल्ली की तरफ से खेला हुआ युवा खिलाड़ी जिसने डेब्यू भी नहीं किया, जैक फ्रेसर, उसने 27 बॉल 84 बनाए।